सतगुर दाते दा मिला भंस करावो हर नाम दे अधारे। असी दुनियावी चीजा नू दाता मन के बह गए, अं तो कार लें वो मगर लिखाने ये पे दात तेरी। सास जी तुम वेखे ना कई गड्डिया के मगर लैन लिखाई होंगी, वो वेखन ये लगता भी आ जी गड्डी ली आ जरा घर लिया ये दात है कि ये तुक दे अर्थ ये ने जी। चलो आप सारी तुक पढ़ी पढ़ते केत्या दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार। जिदन तू चंगे बैड ते सोना है वधिया बर्तन च पा के प्रसाद छकदा उन्हूं तो तू दात कहना ही है। जिदन तेनों हाथ ते रख के रोटी खानी पैजे कदी इन्हूं भी दात क्या कर। जिदन जमीन ते किते सोना पैजे, जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब की धरती दे उत्ते बैठे अनेक सिख उन्हां दे नाल फतेह सांझी करन वाले आ, जे ओ चीज़ नूं दात कहिंदे आ ते अज माछीवाड़े दे उस जंगल च कल्ले भी जे अज लेटे हुए ने पैरां च जख्म है ते पातशाह जी अज इस चीज़ नूं भी दात कह रहे ने। दाता ये भी तेरा शुकराना, जे सुख दे तां तुझे अराधी दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे तां इत ही राजां दुख विच। जिदन तेनों रोटी मिल गई तू उन्हूं तो दात कहती, जिदन भुखा रहा नहीं मिली खाण, तेनों भुख सी पर मिली नहीं खाण नूं, इहनूं भी दात कह के वेख। पता क्यों दात है? क्योंकि तेनों पहली बार एहसास होया जदों भुख लगी होवे ते खाण लई कुछ ना मिले, मालका मैनूं ते अज पता लगा किन्ने लोग होणगे दुनिया ते जिन्हां नूं जदों भुख लगदी होएगी खाण लई मिलदे कुछ नहीं होएगा। मैं तो आउंदी चीज़ नूं दात कहना, कभी जांजी चीज़ नूं भी दात कह के वेखो। शब्द है केत्या दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार। दुख भुख मार ये भी उहदी दात है। अच्छा हुण ध्यान नाल सुणियो, तुसीं अपने घरों गड्डी लैके जा रहे जे, आपां कहिड़ी अरदास लैके तुरदे हां जी? भला महाराज मेरी गड्डी ठीक ठाक रहे, इहनूं राह च प्रॉब्लम कोई ना आवे, कोई टायर ना फटे, कोई इंजन च प्रॉब्लम ना आवे, मैं 1000-1200 मील सफ़र तय करके अपने परिवार विच वापस चल के आउणा है, ये अरदास है जी साडी। ते जिहड़ा बंदा वर्कशॉप खोल के बैठा है रिपेयर करता है जिन्हें टायर वेचने हैं वह कहड़ी अरदास करता जी भला? सवेरे उठ के उच्ची बोल के दस्यो हुण, बोलो भाई तुहाडे सारे किस्म के बंदे बैठे होने, वह कहड़ी अरदास करों करके आउंदा भला? हाँ जी, चार गाहक वध आउण। अच्छा जे ते परिवार वालों की अरदास सुन ली तो जिहड़ा वर्कशॉप खोल के बैठा जिन्हें टायर वेच के बच्चे पालने वो घर के पुछणगे अज विकया कोई टायर? वो कहेगा ना भाई अज लगती उन्होंने सुन ली, मेरी तो सुनी नहीं। अच्छा जे जांदियां नूं उत्थे टायर फट गया, कोई इंजन च प्रॉब्लम आ गई, 1000-1200-2000 का बिल बन गया, अज वर्कशॉप वाला की आंदा? महाराज ने कृपा उन्होंने पुछ के वेखो जिहड़े घरों तुरे सी, वो एक दिन राह च ही लड़दे फिरदे, तैनूं आखे सी ना कि ना जाइए, धक्के ना कहिंदे सी जाणा जाणा वेख ला जिद कीती ते नुकसान हो गया कि नहीं। हुण आपां अरदास करदे तंदरुस्ती दी, महाराज तंदरुस्ती बख्शी। ते जिन्हां दे बच्चे डॉक्टर ने उच्ची बोल के दसो, मैं सारयां दी गल नहीं करदा, तुसीं ते बड़ियां सोहणियां कंट्रियां च बैठे जी, नहीं तो डॉक्टर की फैमिली केड़ी अरदास करदी है जी भला? ओ बोलो भाई किहदा कोई हार्ट का ऑपरेशन करना पवे, सर्जरी हो जाए, वह भी तो नींबू मिर्चा टंगदे ने। उत्थे साढ़े लुधियाणे ना नहर के बिल्कुल नाल एक छोटा जिहा हॉस्पिटल है, तो साढ़े कॉलेज की बिल्डिंग से बिल्डिंग के सामने एक परिवार रहिंदा सी, ते उन्हां दा बच्चा पतंग उड़ाउंदा डिग पिया, एकदम निगाह पई साढ़े वीर दब दब गड्डी च पा के उन्हूं हॉस्पिटल लै गया, उहदे अख दे उपर इदां सट लगी, उन्हें जदों अंदर जाके उहदे इत्थों टंके टुंके लाए उन्हूं ठीक कीता, ते उन्नी देर नूं असीं डॉक्टर दे कोल बैठ गए। तो डॉक्टर दे जिहड़ा उहदा रूम सी अपना उहदे बाहर नींबू ते मिर्चां टंगियां सी, ते मैं हासे नाल कहा, मैं डॉक्टर साहब ये आम लोग टंगदे भी साडे कारोबार नूं कोई नज़र ना लावे, कोई चलो कपड़े वाला टंगे तो उहनूं ये डर हुंदा भी मेरा कपड़ा थोड़ा वध विके उहदे नालों कितने नज़र ना ला दे, भी ग्रोसरी वाले नूं हुंदा मेरी ग्रोसरी वध विके, हार्डवेयर वाले नूं हुंदा मेरा लोहा वध विके। तो आ नहीं मैनूं समझ आई भी लोगों के सिर ज़्यादा पट्ट ये की। तो
तो डॉक्टर साहब अगे आते मैं नहीं टंगता जी, ये स्टाफ टंग दिंदा। मैं कहा जी आप स्टाफ नूं पुछ लैने, लागे वीर तुरै फिरदा सी। मैं कहा जी आ नींबू ते मिर्चा डॉक्टर साहब टंग दे के तुसीं कहते टंग दे, असी पैसे डॉक्टर साहब दिंदे आ भी महीने बाद पेमेंट कट्ठी कर दी दी। इहदा मतलब हर बंदे दे दिमाग च इक वहम है ना। हुण जे अरदास कहते महाराज सच्चे पातशाह असी जिदा दे आप उदा दा रब सिरज लिया सी, मैं अरदास घरों करके तुरदा कि मेरी गड्डी नूं कोई प्रॉब्लम ना आवे। तो लागे तुहाडा ही सका भरा एक वर्कशॉप का भी मालिक है, उहदा भी टायरां दा काम है, वह भी अरदास करके आया, वह भी सवेरे उठ के अपने औजार धो रहा वा। ऐसे तो मैनूं पता नहीं इंडिया ते विश्वकर्मा वाले दिन उच्ची बोलो जी। हाँ जी कहते इतने भी सारा कुछ है। चलो मैं सारा कुछ नहीं ना बोलना, तुम आपे ला लियो। उदन वह भी अरदासा करते भी महाराज कोई देखो वर्कशॉप वाले तो खुशी इस गल्ते होगी ना, कोई गड्डी वाला आए वह मैं रिपेयर करा वह एल चेल करा तो चार पैसे मेरे घर आन। हूँ डॉक्टर है जो सवेर का हूँ एडवोकेट जो वकील है उन्होंने मुताबिक कोई मुकदमा ना आए। बोलो जी आ कोर्ट कचहरी अच्छ मैंने इतों का पता नहीं, इंडिया तो कोर्ट कचहरिया चले जाओ, उत्थे अगलिया ने हर अपने ऑफिस के बाहर ना नींबू तो मिर्चा टंगी हुई भी प्यो पुत सिर का पाट दे, को मंत्री इदा कर दे इदा कर दे दोवें जाने। हूँ वेख लो साढ़े समाज में की कुछ वापरी जाता, कभी सोच के वेखो असी खलोते कितने, साड़िया अरदासा कहड़िया ने, कि अरदास हो रही है। मैं रात के दवाज भी कहा कि दुख भंजनी के नाँ के गुटके तैयार करके उपर फल लिख दिता भी आह पाठ करोगे आह फल मिलेगा, कि गुरु साहब ने बाणी इस काम लिए उच्चारण की सी। मैं अरदास इस काम लिए नहीं करनी कि आह काम इधर, मैं अरदास करनी दाता दुख आवे सुख आवे मैनू इन्ना तगड़ा कर दौ कि मैं सुख में उछलां ना तो दुख में किसी उलामे ना दया। साडा काम उल्टा हुंदा, जदों सुख हुंदा उदों असी किसी नूं पल्ले नहीं बांधदे, जदों माड़ा जिहा दुख आउंदा उदों कहिंदे बस हुण खत्म कहानी, रब ने साडे नाल धक्का करता, रब ने साडे नाल लोहड़ा मारता, रब ने पता नहीं किहड़े जन्मां दा साडे कोलों उच्ची बोलो जी। रब जी वैर कमाउंदे ने, बाणी च की लिखिआ सतगुर सभनां दा भला मनाएंदा, सतगुर सबना का भला मनाएगा तिसदा बुरा क्यों हो। सतगुरु जी तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं। अभी तो अपनी सोच न बदलना जी, सू गुरु पातशाह की बाणी बदलने लिए कह रही है, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे। मैनू वह गुरु मिलाओ जिहड़ा मैनू मेरे मन नू आसरा दे सके, मैं डोला ना मैं घबरावां ना। कहिंदे क्यों चाहिदा, कहिंदे इस करके पता लग गया बिन सतगुर सेवे, सारे बोलो बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जदों तक मैं अपने गुरु की शरण नहीं पैंदा, गुरु की सिक्ख्या उत्ते अमल नहीं करदा, मेरे मन नू बहुता दुख लग जांदा।